व्हाट्सअप एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग वन पीस के एपिसोड नंबर 120 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दो। तो अभी यहाँ ज्यादा टाइम वेस्ट ना करती आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि रॉयल आर्मी में एक चार लोगों का ग्रुप है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है और वो लोग ज़बरदस्ती पैलेस के अंदर घुस जाते हैं और अंदर घुसने के बाद वो लोग सब कुछ देखते हैं किंग का हालत क्या है, प्रिंसेस का हालत क्या है, जो चाका है उसका हालत क्या है। और ये देखने के बाद जो वीवी है वो कहती है कि अरे ये तो किकिंग क्लॉ फोर्स है, वो लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल है। नीचे जो रेगुलर सोल्जर है वो लोग कहते हैं कि जाओ जाके किकिंग क्लॉ फोर्स क्रोकोडाइल से हमारे किंग को बचाओ, हमारे किंग को मदद करो। और जो क्रोकोडाइल है वो कहता है कि अरे तुम लोग तो बहुत ज़्यादा फेमस हो तो मैं तुम लोगों को एक चांस दूंगा, तुम लोग भाग जाओ यहाँ से। और जो किंग है वो भी कहता है कि तुम उसके साथ फाइट मत करो, तुम लोग फाइट नहीं कर पाओगे, तुम लोग मरोगे। लेकिन जो किकिंग क्लॉ फोर्स है वो लोग कहते हैं कि नहीं, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, हम लोग जब पहली बार रॉयल पैलेस में भर्ती हुए थे हम लोगों ने यह शपथ लिया था कि हम लोग किंग को कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे, हम लोग किंग के साइड में खड़े होंगे हमेशा मरते दम तक। और हम लोगों के पास एक और रीज़न है। तो जो क्रोकोडाइल है वो कहता है कि एक और रीज़न। तो जो किकिंग क्लॉ फोर्स है वो लोग कहते हैं कि क्या ये सच है, ये जो रेबिलियन है इसके पीछे तुम्हारा हाथ है। और हम लोग देखते हैं कि जो किकिंग क्लॉ फोर्स है जब वो सुनता है कि हाँ उन लोगों का हाथ है, उन लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। हम लोग देखते हैं कि उन लोगों का जो बॉडी का पावर है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है, उन लोगों का मसल भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और ये देखने के बाद जो वीवी है वो कहती है कि क्या हो रहा है उन लोगों के बॉडी के साथ, क्या हो रहा है चाका। तो जो चाका है वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, उन लोगों ने क्या उस चीज़ को पिया है। तो जो वीवी है वो कहती है कि उन लोगों ने किस चीज़ को पिया है। जो चाका है वो कहता है कि उन लोगों ने फेथ लिलिसा पिया है। और फेथ लिलिसा एक तरह का जहरीला पानी होता है जिसे पीने के बाद तुम्हारा फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन कुछ मिनट के बाद ही तुम मर जाते हो, जो होस्ट है वो मर जाता है। तो सब लोग कहते हैं कि इसका मतलब जो हमारा जो किकिंग क्लॉ फोर्स है सब लोग मरने वाले हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जो किकिंग क्लॉ फोर्स है उन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, वो लोग कहते हैं कि हम लोग हमारे राजा के लिए, हमारे देश के लिए जान भी दे देंगे। और उसके बाद वो चारों एक साथ क्रोकोडाइल के ऊपर हमला करते हैं। लेकिन क्रोकोडाइल का डेविल फ्रूट ठहरा बहुत ज़्यादा खतरनाक और बहुत ज़्यादा ओपी। हम लोग देखते हैं कि वो बाहर से निकल जाता है और उस पैलेस के छत पे चढ़ जाता है और कहता है कि तुम लोग बहुत बड़े गधे हो, गधे का अगर कोई डेफिनेशन है वो लोग तुम लोग हो, मुझे तुम लोगों के साथ फाइट करने का भी कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि तुम लोग ऐसे ही मरने वाले हो। उसके बाद जो चाका है वो कहता है कि क्रोकोडाइल तुम कितने बड़े नीच आदमी हो, तुमने वॉरियर का भी कोई सम्मान नहीं किया, वो लोग मरने वाले हैं, अपने जान की कीमत पर तुम्हारे साथ फाइट करना चाहते हैं लेकिन तुम यहाँ से भाग रहे हो। तो जो क्रोकोडाइल है वो कहता है कि सम्मान, गधों का सम्मान होता है क्या। हम लोग देखते हैं कि एक एक करके सारे के सारे लोग मर जाते हैं, जो चारों के चारों ही मर जाते हैं और चाका चाका ऐसे चिल्लाते चिल्लाते मरता है। हम लोग देखते हैं कि जो चाका है उसको आ जाता है गुस्सा और वो अपने डॉग डॉग डेविल फ्रूट का पावर यूज़ करता है और जैकल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। हम लोग देखते हैं कि वो जाके क्रोकोडाइल के ऊपर हमला कर देता है लेकिन क्रोकोडाइल को घंटा कुछ नहीं होता। तो जो क्रोकोडाइल है वो कहता है कि अरे तुम दूसरों के लिए अपना जान देना चाहते हो, और ये वाला सीन वहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग जोरो को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि वो फाइट तो जीत गया है लेकिन उसको बहुत ज़्यादा चोट भी आया है और वो कहता है कि मैं यहाँ से हिल भी नहीं पाऊंगा। हम लोग देखते हैं कि जो जोरो है वो नीचे गिर जाता है और वो सब लोगों के लिए टेंशन कर रहा है और कहता है कि नाम ही सही होगा या फिर नहीं, वो भाग चुका होगा या फिर नहीं, कोई मरा तो नहीं है। और वो कहता है कि मुझे जानना है बीवी के साथ क्या हो रहा है, और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग चॉपर, सांझी और उसब को देखते हैं। जो उसब है वो रो रहा है और उसे देखने के बाद जो सांझी है वो कहता है कि तू पागलों की तरह रो क्यों रहा है। तो जो उसब है वो कहता है कि मैं नहीं रो रहा, जो कहता है कि रो रहा है वो ही रो रहा है। जो सांझी है वो कहता है कि तेरे बात का कोई भी सेंस नहीं है लेकिन तू रो क्यों रहा है। जो उसब है वो कहता है कि मैं रो नहीं रहा लेकिन जो मिस्टर फोर का पार्टनर था उसने कहा था कि लूफी मर चुका है। तो ये सुनने के बाद जो सांझी है वो कहता है कि तूने उसके बात पे विश्वास भी कर लिया। जो उसब है वो कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया, लूफी जिंदा है। जो चॉपर है वो भी कहता है, जो लैश है वो भी कहता है कि नहीं लूफी जिंदा है, और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग नामी को देखते हैं। जो नामी है वो भी सही सलामत है। हम लोग देखते हैं कि वो अपना वेपन भी ऊपर उठा लेती है और कहती है कि मुझे जल्द से जल्द पैलेस की तरफ पहुंचना पड़ेगा, और ये वाला सीन भी कट
सेट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग रॉयल पैलेस का एक सीन देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो क्रोकोडाइल है उसने चाका को बहुत ही आसानी से हरा दिया है, और तभी वहाँ पर एंट्री होता है कोजा का, और कोजा आने के बाद देखता है सब कुछ और वो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और कहता है कि क्या चल रहा है, जो किंग है वो मरने वाला है, जो चाका है वो मरने वाला है, जो रॉयल पैलेस के सोल्जर है वो लोग भी मरे पड़े हुए हैं, और क्रोकोडाइल और उसका पार्टनर यहाँ पर क्या कर रहा है, और वो कहता है कि चल क्या रहा है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होता है कोजा, और कोजा को कन्फ्यूज़ देखने के बाद जो क्रोकोडाइल है वो कहता है कि हाँ मैंने सब कुछ किया है। और उसके बाद जो कोजा है वो दौड़ती है वीवी के पास जाता है और कहता है कि वीवी मुझे एक बात बताओ, इस कंट्री का जो रेन है जो बारिश है उसको किसने चुराया है। तो जो वीवी है वो कहती है कि क्रोकोडाइल ने चुराया है। जो क्रोकोडाइल है वो कहता है कि मैंने तुम्हारे टीम के साथ मेरे टीम का फाइट कराया, कैसा लगा रॉयल आर्मी के साथ रिबेल आर्मी का फाइट। और ये सुनने के बाद जो कोजा है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उसे ये भी समझ में आता है कि उसने गलत किया, वो किंग के खिलाफ जाके बहुत ज़्यादा गलत किया। और उसके बाद जो किंग है वो कहता है कि सुन कोजा, तुझे अभी भी बहुत सारा काम करना है, तुझे बहुत सारे लोगों को बचाना है। जो कोजा है वो कहता है कि किंग तुम किस चीज़ की बात कर रहे हो। और उसके बाद हम लोग चाका को देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि वो मरा नहीं है, और वो चिल्ला चिल्ला के कहता है कि कोजा जो स्क्वायर है वहाँ पर 30 मिनट के अंदर बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है, और 5 किलोमीटर के दायरे में वहाँ पर जितने सारे लोग होंगे रॉयल आर्मी रेबल आर्मी सब लोग मरेगा, तुझे उन लोगों को रोकना पड़ेगा। हम लोग देखते हैं कि ये सुनने के बाद ही जो क्रोकोडाइल है वो अपने हुक को चाका के सीने में घुसा देता है। और उसके बाद ही हम लोग देखते हैं कि जो कोजा है वो दौड़ रहा है और दौड़ते हुए जा रहा है उन आर्मियों के पास। हम लोग देखते हैं कि पीछे पीछे दौड़ रहा है वीवी, और वीवी जाके कोजा को पकड़ लेती है। हम लोग देखते हैं कि उसके ऊपर आ जाती है वीवी और चिल्ला के कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे हो, तुम नहीं जा सकते। तो जो कोजा है वो कहता है कि तुम मुझे क्यों रोक रही है, मुझे वापस जाना पड़ेगा, सब लोगों को बताना पड़ेगा, ये लड़ाई को रोकना पड़ेगा। तो जो वीवी है वो कहती है कि नहीं मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दे सकती क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे हो, अगर तुम जाके उन लोगों को ये बताते हो कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा बॉम्ब है तो सब लोग पैनिक कर जाएंगे और ये जो वार है वो कभी भी नहीं रुकेगा, हम लोग वो करेंगे जो कि हम लोगों को बहुत पहले करना चाहिए था, हम लोगों को रेबल आर्मी को रोकना पड़ेगा और रॉयल आर्मी को भी रोकना पड़ेगा, हम लोगों को इस वार को रोकना पड़ेगा, लेकिन हम लोग इस बॉम्ब के बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो कोजा है वो धीरे धीरे शांत होता है और वो लोग जाने वाले ही थे। हम लोग देखते हैं कि क्रोकोडाइल पीछे आ जाता है और कहता है कि क्या लगता है मैं तुम लोगों को जाने दूंगा, मेरे मास्टर प्लान को तुम लोगों को ख़राब करने दूंगा। हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर जो चाका है वो भी आ जाता है और आने के बाद क्रोकोडाइल को रोक देता है और कहता है कि मैं हूँ इस जगह का गार्डियन डीएटी, मैं हूँ एल्वेस्टर का गार्डियन डीएटी, मैं तुम लोगों को किंग और उसके लोगों के ऊपर हार्म पहुँचाने नहीं दूंगा। और वो कहता है कि मैं क्रोकोडाइल को कुछ मिनट के लिए यहाँ पर रोक के रखूंगा, तुम लोग जाओ जाके इस रिबेलियन को रोको। तो जो वीवी और कोजा है वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। उसके अगले सीन में हम लोग वीवी को देखते हैं जो रॉयल आर्मी के सामने आके खड़ी होती है और वो चिल्ला चिल्ला के कहती है कि सुनो सारे के सारे रॉयल आर्मी के सोल्जर, हम लोगों को फाइट करने की ज़रूरत नहीं, हम लोग व्हाइट फ्लैग दिखाएंगे रेबल आर्मी को। तो ये सुनने के बाद जो लोग हैं वो लोग कहते हैं कि इसका मतलब तो हम लोग हार मान रहे हैं। तो जो वीवी है वो कहती है कि नहीं हम लोगों को फाइट करने की और ज़रूरत नहीं। हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर कोजा भी आता है और कोजा को देखने के बाद जो रॉयल आर्मी है वो लोग कहते हैं कि रेबल आर्मी का लीडर यहाँ पर क्या कर रहा है। और उसके बाद जो कोजा है एक बहुत ही बड़ा लंबा चौड़ा भाषण देता है, कहता है कि हम लोगों को एक दूसरे के साथ फाइट करने की ज़रूरत नहीं और खून बहाने की ज़रूरत नहीं, हम लोग सरेंडर करेंगे, लेकिन तुम लोगों को भी सरेंडर करना पड़ेगा, व्हाइट फ्लैग दिखाना पड़ेगा। और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग रेबल आर्मी को देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि सब लोग दौड़ती है पैलेस की तरफ आ रहे हैं और आते आते रुक जाते हैं और सब लोग देखते हैं कि जो रॉयल आर्मी है उन लोगों ने व्हाइट फ्लैग दिखा दिया है। हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर कोजा भी आता है एक व्हाइट फ्लैग के साथ और सब लोग कहते हैं कि कोजा वहाँ पर क्या कर रहा है। और जो कोजा है वो चिल्ला चिल्ला के कहता है कि सुनो रेबल आर्मी के लोगों, अपने गुस्से को ठंडा करो, हम लोगों को किंग के साथ फाइट करने की ज़रूरत नहीं, जो रॉयल आर्मी है वो लोग सरेंडर कर रहे हैं। हम लोग देखते हैं कि सब लोग बहुत ज़्यादा खुश है, सब लोग कहते हैं कि इसका मतलब हम लोग जीत गए। और तभी हम लोग देखते हैं कि एक रॉयल आर्मी का सोल्जर पीछे से 1, 2, 3, 4 गोली चलाता है कोजा के ऊपर और कोजा को छेदी छेद करके छेदी लाल बना देता है। हम लोग देखते हैं कि सब लोग चिल्ला रहे हैं, जो रेबल आर्मी है वो लोग भी बहुत ज़्यादा चौंक गए हैं और कहते हैं कि रॉयल आर्मी ने उसके ऊपर पीछे से क्यों गोली चलाया। हम लोग देखते हैं कि जिस रॉयल आर्मी के सोल्जर ने गोली चलाया वो एक्चुअली बारोकुआर का आदमी है, वहाँ पर भेस बदल के बैठा हुआ है। और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो पर लाइक ज़रूर करना, वीडियो पर कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से ज़रूर करना। तो मिलता है एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय-बाय।